इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। जिलाधिकारी रमेश रंजन हाथरस ने किया कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण। सत्येंद्र कुमार कश्यप, इंडियन टीवी न्यूज से ब्यूरो चीफ जनपद हाथरस उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट। 28 सितंबर 2022 हाथरस जिलाधिकारी रमेश रंजन ने नगर क्षेत्र हाथरस के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण कर छात्राओं से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता की जानकारी ली तथा पाई गई कमियों को तत्काल दुरुस्त करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जानकारी करने पर उपस्थित प्रभारी गार्डन सुनीता ने बताया कि वर्तमान में फुल टाइम में 3 अध्यापक तैनात है, जिसमें से श्रीमती मनीषा सिंह मातृत्व अवकाश पर है, श्रीमती नीलू कुलश्रेष्ठ अनुपस्थित चल रही है तथा 2 पार्ट टाइम अध्यापिका श्रीमती नीस सक्सेना व श्रीमती रूबी श्रीमती अनीता देवी असिस्टेंट कुक तथा प्रेमचंद्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपस्थित पाए गए। वहीं योगेंद्र कौशिक अकाउंटेंट व श्रीमती किरण देवी असिस्टेंट कुक आकस्मिक अवकाश पर हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय की 3 कक्षाओं में कुल 100 छात्राएं पंजीकृत हैं। कक्षा 6 में कुल 42 छात्राएं पंजीकृत हैं, जिसमें से आज 24 छात्राएं उपस्थित हैं। इसी प्रकार कक्षा 7 में कुल 32 छात्राएं पंजीकृत हैं, जिसमें से आज 23 छात्राएं उपस्थित हैं तथा इसी प्रकार कक्षा 8 में 28 छात्राएं पंजीकृत हैं, जिसके सापेक्ष आज कुल 8 छात्राएं उपस्थित हैं। अनुपस्थित छात्राओं की संख्या अधिक होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 में जाकर छात्राओं की किताब पढ़वा कर देखा तथा इतिहास भूगोल विषय की प्रश्नोत्तरी के माध्यम से छात्राओं के ज्ञान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं से गणित के सवालों को ब्लैक बोर्ड पर हल करने के लिए कहा। शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर न होने पर जिलाधिकारी ने कहा, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्रदान कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। उन्होंने तैनात अध्यापकों को पढ़ाने के तरीके में बदलाव करने के साथ साथ पाठ्यक्रम को पढ़ाने के पश्चात छात्रों से पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने एवं गणित के सवालों को हल करने के पश्चात छात्राओं से ब्लैक बोर्ड पर हल करने के निर्देश दिए। वहीं शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिकारी को कुछ अध्यापकों को अटैच करने के निर्देश दिए, जिससे कि अध्ययनरत छात्र छात्राओं को 72 शिक्षा प्रदान की जिससे कि अध्ययनरत छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके पश्चात उन्होंने प्रभारी वार्डन से छात्राओं के छात्रावास, रसोई घर एवं खाद्य सामग्री, खेलकूद एक्टिविटी के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।